से आप देख रहे हैं कि उस पहाड़ी पे जाने वाले हैं जहाँ पे साधु महात्मा रहते हैं, तो हम थोड़ी देर में वहाँ पे प्रयाण करने वाले हैं। मरवाड़ी ग्राम से कणताल 10 किलोमीटर पर स्थित है। आपको प्रथम मैजाना ताल तक स्टीप 6 से 7 किलोमीटर आरोहण करना पड़ता है। यहीं से अनुमानतः 700 मीटर पे स्वामी राधिका दास जी की कुटी है, जिनका इंटरव्यू मैंने प्रकाशित किया था। इनके कुटी के निकट से मार्ग पुनः 2 किलोमीटर के अवरण का है, जिस पश्चात आपका कणताल के बुग्याल में आगमन होता है। यहां से आपको पंदरपूज, श्रीकंठ, जौनली, कालानाग एवं दिव्य सहस्त्रतल के पीक्स के पैनोरमिक दृश्य का आनंद मिलता है, जो संध्या एवं प्रभा समय आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एक अनचार्टेड ऑफबीट कैंपिंग स्पॉट है, जहां मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अवश्य आए एवं प्रकृति का आनंद लें। अभी एक 2800 मीटर पे हूँ और जैसे आप देख रहे हैं ये टिपिकल गढ़वाली स्टाइल घर है, ऑलमोस्ट 200 साल पुराना रहेगा, मिट्टी और पत्थर का बनाया हुआ। ये नीचे भी जो पत्थर है ये यहीं के लाए हुए, इनका स्टाइल है पूर्व पारंपरिक। यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं, मरवाड़ी क्षेत्र में आते हैं, तो आप भी यहाँ पे रहने का, यहाँ पे खाने का आप भी आनंद उठा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो मैं मंजाड़ा ताल में हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली 2800 मीटर पे है। मरवाड़ी गांव से आपको ऊपर ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर ट्रैक करके आना पड़ता है। बहुत ही शांत, बहुत ही प्रसन्न सेटिंग है। यहाँ से कालानाग पर्वत दिखता है, सहस्त्रतल पीक दिखती है। आप सुबह बहुत ही मधुर दृश्य होते, रात्रि में आकाश भी साफ दिखता है। तो यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिस्टर मालचंद बिज जी का एड्रेस दे दूंगा, जो मरवाड़ी गांव के पूर्व प्रधान है, वो आपकी सर्व सुविधा कर देंगे। तो आप यहाँ पे अवश्य आइए। ये है केदारपाती, इसे नहर भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और इसकी सुगंध अभूतपूर्व है। ये जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो कस्तूरी मृग होते हैं, जिनके नाभि में कस्तूरी बनती है, मस डियर होते हैं, ये इसी को खाते हैं और इसी का प्रभाव इनके नाभि के कस्तूरी पे पड़ता है। इसका उपयोग यहाँ पे भी ये लोग धूप में करते हैं, लेसरा गुगुल के साथ, और इसके बहुत ही अभूतपूर्व मंत्रमुग्ध करने वाली सुगंध आती है। ये जगह का नाम कणाताल है। ये मंजाना ताल से 1 किलोमीटर है, संपूर्ण जंगल का रास्ता है। और मैं आपको यहाँ से एक विशेष दृश्य दिखाने लाया हूँ, जो आपको रेंजेस दिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट में। तो पंदरपूछ रेंजेस है, जौनली पीक है, बीच में सेंटर में कालानाग है, फिर आपको द्रौपदी का दंडा दिखेगा, कम बर्फीला पीक है वो है, श्रीखंड पीक जो हमने अभी गिडारा बुग्याल से ये पिछली तरफ से सब दृश्य देखे थे, और एंड में आपको सहस्त्रतल पीक दिखेगा। तो बहुत ही मनोहर दृश्य है, और यदि आप इस क्षेत्र में आए तो यहाँ पे अवश्य आए कणताल क्षेत्र में, और इस दुर्लभ दृश्य का लाभ अवश्य लें। बुग्याल है और बहुत ही अनटच लैंड है, यहाँ पे कोई आया नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर प्रथम माउंटेन्स के दृश्य दिखाए थे, श्रीखंड के, जौनली के, वो जो रिज जहाँ से हम देख रहे थे, मैं आपको फिर से बताऊंगा, वही से हमने लास्ट ईयर सहस्त्रतल की यात्रा की थी महेश जी के साथ। और ये एक एरिया है बहुत ही अनटच्ड, आप देख रहे किसी ओपन बुग्याल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, सुंदर दृश्य
पर्वतों के दृश्य देख सकते हैं, हिमालय सीधा आपके सामने दिख रहा है, ज्यादा कठिन भी नहीं है और नीचे सुविधाएं भी बहुत है। यदि आपको ये दृश्य बहुत मनोहर लगते हैं तो आप अवश्य, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सबका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे अवश्य कॉन्टैक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए और इस ऑर्बिट क्षेत्र गढ़वाल के आप अवश्य आइए और इस अनटच लैंड का आप भी आस्वाद लीजिए। मैं अभी भी कहता हूँ ये इतना कठिन चढ़ाई नहीं है और जैसे आप देख रहे हैं संपूर्ण बुग्याल है। ऐसे बुग्यालों में यदि मुझे गिड़ारा बुग्याल जाना है, क्यारकी बुग्याल जाना है तो बहुत मेहनत करके जाना पड़ता है, लेकिन ये रास्ते से एकदम, मतलब यदि आपको एक दिन दो दिन का ट्रैक करना है तो आप आराम से यहाँ पे आके शांति से गढ़वाली खाने का आप आस्वाद देके हिमालय के दर्शन करके एक अच्छी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। कणतल से लगभग 6 किलोमीटर के अंतर पर अरण्य के मध्य में स्वामी नरोत्तम दास जी की कुटी है, जिनका इंटरव्यू भी मैंने प्रकाशित किया है। दोनों इंटरव्यूज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।